तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस घड़ी के बारे में जिसमें कि कोई ग्लास नहीं है स्क्रीन पे, जो देख सकते हैं अगर आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं छोटे मोटे स्क्रैचेस आ सकते हैं, हल्का हल्का आपको स्क्रैच हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा जहाँ पे, जैसे देख सकते हैं ये और शायद ये। तो इस सब से बचने के लिए मैंने एक इसके लिए ग्लास मंगवाया है, तो देख सकते हैं ये डब्बा रहा, तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। तो वीडियो में बने रही है, आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कौन सा ग्लास लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। इसमें एक और ग्लास मैंने मंगवाया था फुल सेफ्टी कवर जो आता है इसका, वो फिट नहीं हुआ इसमें, क्योंकि 45 mm का वॉच है और 45 mm का ही वो ग्लास भी था, मतलब उसका फुल कवर, तो फिट इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि 47 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए तब आएगा फिट। और एप्पल में वो आ जाता है कि एप्पल का साइज़ का छोटा होता है, और ये फायर बोल्ट है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। टेप भी बड़ा टाइट होता है। ये रहा कार्टून और ये रहा पोपियो का टेम्पर्ड ग्लास। इसका प्राइस मुझे गाइस 150 पर आया, देख सकते हैं। स्मार्ट वॉच है एप्पल सीरीज का, क्योंकि एप्पल मॉडल है ये, इसका 45 mm का एप्पल का ही आता है। और फिर इसका प्राइस नहीं पे लिखा होगा कहीं, प्राइस देख सकते हैं 599 लिखा हुआ है, जो कि 150 में आपको इजीली मिल जाता है अमेजन पे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, तो ऐसे निकल जाएगा इस टाइप का है। अच्छा तो इस टाइप का रहता है। वीडियो देखने के लिए बताया जा रहा है, तो वीडियो तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। हे चेकिंग इंस्टॉल वीडियो क्लास द कोड। ये इसका ग्लास है जो अगर फिट आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो गाइस ये फिट तो नहीं आ रहा है, हल्का छोटा रह जा रहा है, ये फिट नहीं है, ये एप्पल के लिए ही है, ये फिट नहीं आ रहा है, मतलब पैसा बर्बाद, इसके लिए कोई ग्लास ही नहीं आता है, मतलब फिर भी लगा कर ट्राई कर लूँ क्या? ट्राई तो करना बनता है। ड्राई वेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये तो फिट नहीं आएगा क्योंकि
फिट तो नहीं आया, मतलब इसके लिए ग्लास नहीं है, छोटा है ये वाला भी।